हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टॉल्ड ऑक्स की क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाई इज एशले कॉल्ड अ कैटल पेंटर बाय फोर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एशले को कैटल पेंटर क्यों कहा जाता था। द नेचर एंड प्लेस ऑफ मिस्टर एशले'स रेजिडेंस मेड हिम अ कैटल पेंटर, यानी कि एशले जहाँ पर रहता था उसकी रहने की जगह ने उसको कैटल यानी कि पशुओं का पेंटर बना दिया था। ही लिव्ड इन ए सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट, वो सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में रहता था जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे। ऑन वन साइड ऑफ हिज गार्डन देयर वॉज ए स्मॉल पिक्चर्स मैडो, यानी कि गार्डन की एक तरफ बहुत अच्छी सी खूबसूरत चरागाह थी। वेयर सम काउज ग्रेज, जहाँ पर गायें चरती थीं। मिस्टर एशले ड्रू द पिक्चर ऑफ डन काउज ग्रास एंड वॉलनट ट्रीज, तो मिस्टर एशले गाय घास और अखरोट के पेड़ों की तस्वीरें बनाता था। हिज इमेजिनेशन कुड नॉट वर्क बियॉन्ड हिज सराउंडिंग्स, यानी उसकी जो कल्पना है उसकी सराउंडिंग से आगे नहीं जा पाती थी। व्हाट डिड एडिला एक्सपेक्ट एशले टू डू, एडिला एशले से क्या चाहती थी, व्हाई और क्यों, वॉज इट फेयर टू हर एक्सपेक्ट सो, कैसा एक्सपेक्ट करना उचित था, गिव रीज़न कारण बताओ। मिस्टर एशले वॉज एक्सपेक्टेड टू मूव द ऑक्स आउट ऑफ हर गार्डन, एशले ये चाहती थी कि अडिला एशले से ये चाहती थी कि वो जो उसके घर में ऑक्स आ गया है उसको बाहर निकाले, उसके गार्डन में से बाहर निकाल दे। शी हैड प्लांटेड फ्लावर्स एंड डिड नॉट वॉन्ट ऑक्स टू मंच ऑन देम, ठीक है, उसने जो फ्लावर्स लगाए थे वो ये नहीं चाहती थी कि जो ऑक्स है वो उसको खा जाए, चबा ले। सिंस अडिला लिव्ड अलोन एंड हैड लिटिल नॉलेज ऑफ द कैटल, क्योंकि अडिला अकेली रहती थी और उसको पशुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए शी अज्यूम दैट हर नेबर बीइंग ए कैटल पेंटर वुड बी लाइकली टू नो हाउ टू ड्राइव देम आउट ऑफ द गार्डन, तो उसने सोचा कि उसका जो नेबर है, पड़ोसी है, वो पशुओं का पेंटर है, हो सकता है उसको इसकी जानकारी हो। ही वॉज द ओनली वन शी टर्न टू फॉर हेल्प, यानी कि वही इकलौता था जिसकी मदद के लिए वो गई, मदद मांगने वो गई। वट वॉज एशलेज कनेक्शन विद काउज एंड ऑक्सन, एशले का गाय और ऑक्सन से क्या संबंध था। एशले पेंटेड पिक्चर ऑफ द काउज बट हैड नो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देम, यानी कि वो सिर्फ उनकी तस्वीरें बनाता था और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी जानवरों की। एशले स्टडीड ऑक्स लाइक एन आर्टिस्ट, वट ऑल डिड ही नोटिस, यानी कि एशले ने एक आर्टिस्ट की तरह ऑक्स को देखा, उसने क्या क्या नोटिस किया। ही नोटिस दैट इट वॉज एन आयरिश ऑक्स, ये एक अर्शर ऑक्स उसने देखा, दैट वॉज ईटिंग द क्रिसेंथेमम्स इन द गार्डन, यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो गार्डन में फ्लावर्स खा रहा है, उसने ये नोटिस किया। वट एफर्ट्स डिड एशले मेक टू ड्राइव द ऑक्स अवे, यानी कि एशले ने क्या क्या कोशिश की ऑक्स को बाहर निकालने के लिए। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द ऑक्स, और इसका क्या रिएक्शन था ऑक्स की तरफ से। एशले टुक अ फ्यू स्टेप्स टूवर्ड्स द ऑक्स, क्लैप्ड हिज हैंड्स, उसने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसने ताली बजाई एंड ट्राई टू शू अवे द एनिमल, और हिशिश करके एनिमल को भगाने की कोशिश की। व्हेन ही हैड इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, ही पिक्ड अप अ पी स्टिक एंड फ्लंग इट एट हिम, जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने एक पी यानी कि मटर की जो प्लांट है उसकी स्टिक उठाई और उसके ऊपर दे मारी। एज अ रिजल्ट द ऑक्स एंटर्ड इनटू मॉर्निंग रूम, और इसका नतीजा ये हुआ जो ऑक्स था वो मॉर्निंग रूम में दाखिल हो गया। व्हाई वाज अडिला डिसअपॉइंटेड एट हैविंग सॉट हेल्प फ्रॉम एशले, यानी कि अडिला को निराशा क्यों हुई एशले की हेल्प मांग कर। अडिला वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी वॉन्टेड टू ड्राइव आउट द ऑक्स फ्रॉम द गार्डन, वो निराश इसलिए हुई क्योंकि वो चाहती थी वो गार्डन से बाहर निकाल दे, लेकिन एशले ने क्या किया, ब्रॉट इट इनसाइड हर हाउस इंस्टेड, वो तो उसके अंदर ही ले आया, उसके घर के अंदर ही वो उसको ले आया। द एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन एशलेज आर्टिस्टिक करियर, यानी कि जो एपिसोड था, जो ऑक्स का एपिसोड था, वो एक उसकी करियर का टर्निंग पॉइंट था। विच एपिसोड इज बींग टॉक्ड अबाउट, ये कौन सा एपिसोड यहाँ पर बोला जा रहा है, उसकी बात हो रही है। हाउ वॉज इट अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट कैसे था। व्हेन द ऑक्स स्टार्टेड मंचिंग ऑन द फ्लावर्स इन द मॉर्निंग रूम, जब ऑक्स ने
फ्लावर्स को चबाना शुरू कर दिया मॉर्निंग रूम में। एशली डिसाइडेड टू स्टार्ट पेंटिंग ऑक्स इन एक्शन। तो एशली ने सोचा क्यों नहीं इसकी पेंटिंग बनाई जाए, लाइव पेंटिंग फुल चबाते हुए। ही केप्ट अप अ सप्लाई ऑफ फ्लावर्स टू कीप द ऑक्स ऑक्यूपाइड। तो उसने और भी ज़्यादा फूल उसके आगे रख दिए ताकि वो लगातार वो फूल खाता रहे, है ना। दिस एपिसोड इज़ बींग टॉक्ड अबाउट हियर, और इस एपिसोड की बात की जा रही है। ही नेम्ड दिस पेंटिंग ऑक्स इन अ मॉर्निंग रूम लेट ऑटम। उसने इसका पेंटिंग का नाम ऑक्स इन अ मॉर्निंग रूम लेट ऑटम रखा। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर बिकॉज इट टर्न्ड आउट टू बी अ सेंसेशन। वो उसका टर्निंग पॉइंट करियर का इसलिए हुआ क्योंकि एक सेंसेशन बन गया, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई पेंटिंग। इट वॉज बॉट बाय बवेरियन गवर्नमेंट। बवेरियन गवर्नमेंट ने इसको ख़रीद लिया। इट अश्योर्ड द सक्सेस ऑफ हिज आर्टिस्टिक करियर, और इस तरह से उसका जो आर्टिस्टिक करियर है उसको सफलता मिली। डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी। द टाइटल ऑफ द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्स इन द नैरेटिव। यानी कि जो स्टोरी का टाइटल, इससे पता चलता है कि ऑक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इस कहानी में। एशली इज़ ए कैटल पेंटर। एशली एक कैटल पेंटर है। हिज वर्क डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड काउज एंड वॉलनट ट्रीज। उसका काम कभी भी गाय और वॉलनट ट्रीज से आगे कभी नहीं बढ़ा। ही वुड फेल इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट। यानी कि वो फेल हो जाता, उससे कुछ नहीं होता था जब वो इनसे आगे सोचता था कि मैं कुछ और पेंट करूँ। अराउंड दिस टाइम एन ऑक्स एंटर्ड हिज नेबर। इसी बीच एक ऑक्स उनके नेबर में दाखिल होता है। वैन हिज एफर्ट्स टू ड्राइव द स्टॉल ऑक्स अवे प्रूव्ड यूजलेस। जब उसकी कोशिश ऑक्स को बाहर निकालने की बेकार हो जाती है, ही डिसाइडेड टू पेंट इट। अब उसको पेंट करने के लिए का सोचता है वो। Thus this ox gave a needed push to his career। इस तरह से इस ox ने उसके करियर को एक push दिया, यानी कि एक और आगे बढ़ावा दिया जो उसको चाहिए था। Thank you so much, have a nice time, take care, like, share and subscribe।